शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कब तक भागोगी मुझसे? ये सूखे सूखे रंग से कुछ नहीं होगा। आज तो मैं तुम्हें पक्का रंग लगाऊंगा, कीला वाला। जाइए जाइए, आपसे ज्यादा होली खेली है मैंने, देखते हैं आप मुझे रंग कैसे लगाते हैं। अच्छा चलो हमें भी दिखाओ। ये पिचकारी नहीं, पिचकारी दूर रखिए। नहीं अबे नहीं। हाँ भागोगी? नहीं अबे। आज कहीं भागने नहीं दूंगा। मैं फिर भी जीत गई। अब अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मुझे रंग कैसे लगाएंगे? होली की जीत मुबारक हो। क्या हुआ? शायद रंग आंख में चला गया है। तुम बिना ध्यान नहीं रख सकती ना, दिखाओ। रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। सोनिया कौन? बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद के ऊपर, खुद की अच्छाई के ऊपर। आज इस काले गहरे रंग से मैं तुम्हारी शक्ल का वो हाल करूंगी कि तुम्हें अपनी शक्ल देखने में भी घिन आएगी। बहुत दिनों तक ये काला गहरा रंग निकलेगा नहीं प्यारी श्रद्धा के चेहरे से। फिर नाचती रहना अभय के साथ। सोनिया ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ तुम यहाँ से जा रही हो या मैं चिल्लाऊं? हटो। तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी श्रद्धा, आज मैं तुम्हें ये रंग लगा के रहूंगी। देखो सोनिया, बहुत दिनों के बाद मेरे और मेरे परिवार के बीच एक खुशी का माहौल आया है। हमें प्लीज इस माहौल को जीने दो। ऑलरेडी हम बहुत कुछ सह चुके हैं, अब हमारी खुशियों के बीच में मत आओ। प्लीज चली जाओ यहां से। अब क्या हो गया, क्यों अपसेट हुआ?
देखो घर वालों ने तो नाचना भी शुरू कर दिया, तुम क्या मेरा इंतजार कर रही थी? अभय, सोनिया आई थी, मुझ पे काला और पक्का रंग लगाना चाहती थी। उसकी इतनी हिम्मत, आज उसको सबक सिखा कर रहूंगा मैं। अभय नहीं, घर में बहुत खुशी का माहौल है, सब कितने खुश हैं देखिए। ये बात अगर आप उनको बता देंगे तो सबका मूड खराब हो जाएगा, प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। नहीं श्रद्धा, प्लीज अभय, सोनिया का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम ये पानी डालो थोड़ा। हाँ अभय, मैं आता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, चले जाओ। शर्मे की सारी हदें पार कर दी है तुमने सोनिया, खबरदार जो तुमने एक भी कदम आगे रखा तो। अब है मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि मेरा अंदर क्यों? ताकि तुम श्रद्धा को और नुकसान पहुंचा सको। अब है मैं नहीं, अपनी अपनी अंदर गई है, वो बहुत गुस्से में थी और उसके हाथ में पिस्टल थी। सुंदर भाभी के साथ अगर यहाँ पे गजब का डांस नहीं किया तो क्या क्या? चलो ना हम लोग भी दिखाते हैं यहाँ के धमाल क्या होता है। अरे चलो चलो आरती, चलो भाभी। हाँ करने की उम्र में तो क्या बुढ़े जैसे कर। आज चाचा भतीजा डांस करके सबको दिखाते हैं। आज अरे आज तुम चलो
लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम मेरे हो वरुण, सिर्फ मेरे। ये क्या पागलपन है? गन गन नीचे कर, नीचे कर। ये क्या कर दिया तूने अपनी? पागल हो गई है क्या तू? श्रद्धा श्रद्धा मेरी तरफ देखो, श्रद्धा आंखें खोलो, श्रद्धा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरी तरफ देखो श्रद्धा, आंखें खोलो श्रद्धा, श्रद्धा 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 मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ श्रद्धा। पुलिस स्टेशन देखिए, जरा जल्दी हमारे यहाँ आ जाइए, हमारी बहू श्रद्धा को अवनी ने गोली मार दी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। अच्छा ठीक है श्रद्धा, कीर्ति एकदम ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगी, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा श्रद्धा, सब ठीक हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा मेरी तरफ देखो श्रद्धा, मैं ये बांध रहा हूँ, हाँ। तुम्हारा खून निकलना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा तुम्हें, पर तुम ठीक हो जाओगी श्रद्धा, श्रद्धा कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, देखो श्रद्धा 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 कुछ करो मैडम,
श्रद्धा वरुण गाड़ी निकाल बेटा। हाँ वरुण तुम जा, इस टर्न को तो हम संभालते। कुछ नहीं होगा श्रद्धा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। श्रद्धा मैं हूँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें श्रद्धा, वरुण गाड़ी निकाल। श्रद्धा श्रद्धा उसको हॉस्पिटल लेके जा, अब टैक्सी लेके आ। वरुण जल्दी गाड़ी निकाल यार। श्रद्धा श्रद्धा किस गलत फहमी में जी रही हो तुम? गोली भले ही मेरे हाथों से चली थी पर वो गोली तुम्हारे लिए थी, समझी? पर बेवकूफ श्रद्धा वो बीच में आके उसने गोली खाई तुम्हारे प्यार में, और वही प्यार अब उसकी जान ले लेगा। तो अगर नफरत करना है तो मुझसे नहीं खुद से करो, क्योंकि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। तो आज मैंने उस नींव को ही गिरा दिया ताकि आप सबको चोट पहुंचा सको, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप लोगों ने मुझे चोट पहुंचाया था। उस दिन बेइज्जत करके मुझे आप लोग बड़े खुश हो रहे थे ना, तो आज आप लोगों को डरता हुआ देखकर मैं खुश हो रही हूं। श्रद्धा तो मरेगी और उसकी आखिरी सांस तक आप सब तड़पोगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं तड़प रही थी। इंसान के तो फिर भी सुधरने के आसार होते हैं, मगर तुम जैसी डायन के लिए नर्क की सजा भी कम है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? घिन आती है मुझे कि तुम जैसे इंसान को हमने कभी दोस्त भी समझा। जिसने गोली चलाई थी वो लड़की? ये है वो लड़की जिसने हमारी श्रद्धा पर गोली चलाई और उसे जान से मारने की कोशिश की है। ले जाइए इसे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गन है जिससे गोली चलाई गई थी। कांस्टेबल गन उठाओ। अवनी, अगर हमारी दीदू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ना तुम चैन से जी पाओगी ना मर पाओगी, तुम्हारा चैन छीन लेंगे हम। डॉक्टर डॉक्टर कोई है? अरे सच नहीं करो। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर इन्हें गोली लगी, बहुत खून बह गया, प्लीज कुछ करिए। पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया डॉक्टर, प्लीज अब देखिए ना कितना खून बह रहा है, कुछ करिए, बचाइए इनको। स्ट्रेचर। अबे आराम से।
इन्हें फौरन ओटी में ले जाओ। आप काउंटर पे जाके फॉर्म साइन कर दीजिए। डॉक्टर मैं करता हूँ। हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर, मेरी पत्नी है वो, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए, आपका उनके साथ रहने से ज्यादा जरूरी है उनका इलाज। हमें आप अपना काम करने दीजिए। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। सर आप समझ क्यों नहीं रहे, उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है अंदर। मेरा जाना जरूरी है। मैं बस खड़ा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे पास रहने दीजिए उसके। अभय, डॉक्टर को अपना काम करने दे। डॉक्टर साहब आप जाइए। थैंक यू। शांत रहो। खून बहुत ज्यादा बह गया है। हमें गोली निकालने के साथ साथ ब्लीडिंग भी रोकना बहुत जरूरी है। आप जख्म को कस के दबाइए। जल्दी आइए। और कस के दबाओ, प्रेशर से ही खून रुकेगा। सर ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है। कहाँ है दीदू? क्या बोला डॉक्टर ने बताओ ना मम्मी, क्या बोला डॉक्टर ने? बेटा उसका ऑपरेशन चल रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। श्रद्धा ने हमारी शादी का रिश्ता ना एक धागे से बांध के रखा था, क्योंकि मैंने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया उसे। जैसे ही उसे होश आ जाएगा ना, मैं उसे ये मंगलसूत्र पहना के हमारे रिश्ते को उसका असली नाम, उसकी असली इज्जत दूंगा। डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की हार्ट बीट बहुत इरेगुलर हो रही है। हाँ भाई क्या हुआ? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।